मैडम बोलते हैं उनको। नमस्कार दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू होता है यहाँ से। तो एक्चुअली ना ये देखो, इसके साइड साइड में क्या लग गया है, कोई बीमारी हो गई है पेड़ को या समथिंग लाइक दैट। अब देखो वाइट 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 से लग गया सब। फिर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे कि भाई क्या है ये, क्योंकि मुझे इस सब की नॉलेज है नहीं उतनी, मतलब उतनी क्या नॉलेज ही नहीं है कि एक्चुअली में क्या है। फिर पता चला कि यार ये कुछ अलग टाइप का फंगस टाइप का कुछ बीमारी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत जगह लग गया था। आप इस पर देखोगे, इस पर भी लग गया था, यहाँ भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा। फिर मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, एक उन्होंने दिखाया कि नीम ऑयल एक आता है ऑनलाइन, मतलब एक केमिकल आता है, एक दवाई आती है, उसको पानी में मिला के शेक करके इसको ऊपर डालने के लिए। तो मैंने इसमें मिलाया है, मतलब ज़्यादा नहीं, 5-6 बूंद उन्होंने बोला था मिलाओ एंड उसके ऊपर। तो फिर मैंने वही किया कि भाई देखते हैं इसको डाल के। वैसे मैंने पहले भी डाला था, काम किया था, बट यार अजीब सा है ये, देखो आप, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब वैसे यहाँ आप देख सकते हो, टमाटर वगैरह देख सकते हो, ये टमाटर मतलब इन सब में भी लग जाता है। पता नहीं, अगर आपको मैं क्लोज व्यू दिखाऊं तो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ वाइट वाइट कलर का बीमारी इसको हो जाता है। आई डोंट नो कि क्या है, मिट्टी में कुछ खराबी है या फिर क्या है। वैसे ही यूट्यूब पे ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो क्या ये नीम ऑयल एक्चुअली में वर्क करती है? देखो मेरे हिसाब से ना वर्क तो करती है, क्योंकि मेरा जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जो भी प्लांटेशन छोटा मोटा है, ये सारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, ये मतलब ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया था। फिर जब ये नीम ऑयल डालने के बाद ना, कुछ तो कुछ वापस आ गया। काम तो करती है भाई, आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको डालना होगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप अमेजोन पर मिलता है, आप चाहो तो परचेज कर लेना। बट अगर मैं नॉर्मल, जैसे नॉर्मल यूज़र हूँ मैं, अगर मैं उस बेसिस पे आपको बताऊँ तो काम तो करती है यार, कुछ ना कुछ अच्छा काम करती है। आप इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से शेक कर लेना इसको, एंड बैक टू बैक शेक करते रहना, एंड प्लांट में डालने से पहले मतलब देख लेना कि आँखों आँख पे ना पड़े या किसी के ऊपर ना पड़े, क्योंकि मेरे हाथों पर पड़ रही है तो जलन देती है हल्की हल्की। ऑब्वियस बात है, नीम ऑयल है तो कुछ ना कुछ होगा, बट हाँ आँख वाँख से एकदम कम्प्लीटली बचा के ही यूज़ करना है इसको यार। ये देखो इधर अच्छे से दिख रहा है कि एकदम ही खत्म हो चुका है ये प्लांट। अरे उठ गए महाराज, उठ गए, उठिए उठिए, अरे उठिए उठिए भाई साहब, गुड मॉर्निंग, चलो चल। क्या हुआ? क्या बोले, कहाँ है कीड़ा? और खाओ साग और खाओ धनिया, कैसा लगा? एक दो ना भी कैसा लगा? ए फेंको ना उसको, चल के कहीं चला जाएगा। कहाँ जाएगा? बर्तन उर्तन में फेंको ना, सुबह लो तो फेंको ना, फेंक भी फेंकने भी दे रहे हो, खुद भी बोल रही है कर रही हो। आज तो सब्जी बनता एकदम टेस्टी, चलता कोई भी नहीं है, लेकिन डालना डेली है इसको। चलेगा चलेगा, गाड़ी तो नहीं आया अभी तक। तो पैसा क्यों तुम नहीं पड़ा? हम ला देंगे निकाल के, हमको मजा आता है। आवाज करता मैं कर, आई लव इट। हम निकाल के ला देंगे पैसा? प्लीज पैसा तो निकालने दो, देता तो है नहीं, निकाल के तो लाने दो प्लीज। देते नहीं है पैसा तुमको? कब दिया है? अच्छा हाँ देता है, फिर ले भी लेता है। तुम्हारे पैसा है तो हम झूठ नहीं बोल पाते, तो हम बोलते हाँ है। तुम तो देखे अभी गाड़ी आएगा, पैसा निकाले जाए। और हर बार एटीएम वाले अंकल हमको यही बोलते हैं, मैडम
मैडम बोलते हैं उनको अच्छा लगता है, तो हम बोलते हैं, नहीं हमको बोलते मैडम लिमिट 5,000 का है, चिंता न करे बाबा उससे ज्यादा है भी नहीं। पट्टा कड़ी पट्टा बस 3 ही पट्टा था, एक हम तोड़ लिए। तुम्हारा खेत है ये? हां कितना बड़ा खेत है तुम्हारा? बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। शट अप। क्या क्या है तुम्हारे खेत में? डोंट लाफ एट टमाटर, टमाटर एंड माय कड़ी। हां तुम्हारा टमाटर ये देखिए, ही टू। तो यार ये शूज़ मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, वैसे मैंने मंगवाया है बट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंपस, कैंपस का शूज़ है, सस्ता मिला था, पता नहीं आप सस्ता मिला था सही है नहीं है, अच्छा नहीं है, देखते हैं इसका कैसा है। 800 का मिल रहा था एंड अच्छा लग रहा है मेरे को, रनिंग शूज़ या फिर आप लाइक ब्लैक टाइप का है तो कभी कभी ऑफिस भी पहन के जा सकते हो, बहुत लाइट वेट है, अच्छा है यार। 700 में 800 में आपको क्या चाहिए, बहुत सही है यार, दौड़ने वौड़ने के लिए भी सही है एंड वैसे भी कहीं जाना हो तो बढ़िया लग रहा है। मैं सोचा था पता नहीं कैसा होगा। 500-600 में बहुत शूज़ मिलते हैं आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे, ACN वगैरह कंपनी का, रेटिंग भी उनकी अच्छी खासी होती है 2-3 लाख, बट ये भी ठीक है यार, कैंपस का बढ़िया है। 800 का मिल रहा है आपको, लाइट वेट बहुत है शूज़ दोनों का, देख लेता हूँ दोनों 8 नंबर है या नहीं है, ये भी 8 नंबर है एंड ये भी 8 नंबर ही है, तो टेक्निकली 800 में बहुत अच्छा है, क्या चाहिए एकदम लाइट वेट है, मतलब मस्त पहन के घूमो एंड मेरे हिसाब से भाई ये लड़का लड़की दोनों ही पहन सकते हैं, आपका क्या विचार है जरूर कमेंट करके बताएं कि यूनिसेक्स है या नहीं है, अच्छा लग रहा है शूज़ वैसे। मैं लिंक दे दूंगा अगर किसी को परचेज करना है, कोई सर्च कर रहा हो, क्योंकि लोग काफ़ी कन्फ्यूज है ना कौन सा लूँ नहीं लूँ ये वो फलाना ठिकाना। कहाँ चल रहा ए हीरो, क्या देख रहे हो, पूरा का पूरा गाजियाबाद, ये देखिए गाजियाबाद, ये है गाजियाबाद उर्फ जिला गाजियाबाद भाई साहब, इस गांव का मालिक, मालिक 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 ये है की तुम्हारा तो बदमाशी का लेवल जो बढ़ते जा रहा है ना, हम बता रहे हैं इतना मार खाओगे ना तुम, इतना तुम दादी के पीछे जो छिप रहे हो बच्चों के नहीं, तुम हमसे हम बता रहे हैं, आगे बढ़के तो देख, आगे बढ़के तो देख।